हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सतेंद्र सिंह। हम सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी पे बात कर रहे थे और आज नॉर्मलिटी देखते हैं क्या है। तो नॉर्मलिटी की यूनिट क्या है और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, चलिए उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं नॉर्मलिटी क्या है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं नॉर्मलिटी को सॉल्व करने से पहले, एक कंटेनर में हमने क्या करा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को लेकर के सॉल्यूशन बनाया और वो सॉल्यूशन कितना बना लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसमें कितना सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया हमने, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के हमने क्या करा, एक सॉल्यूशन बनाया। कितनी क्वांटिटी में, 1 लीटर में। अब 1 लीटर सॉल्यूशन में इसमें सीधे जो होता है सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो अब इसके अंदर यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इसमें घुले हुए हैं वही इस विलयन की नॉर्मलिटी कहलाएगी, ठीक है। यानी हमने क्या करा है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो इसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व है वही सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाएगी। अब ये जो नॉर्मलिटी बन गई यानी 1 लीटर सॉल्यूशन भी क्या है, डिजॉल्व है, डिजॉल्व नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ऑफ किसके इक्वल है, नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी को हमने क्या करा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नॉर्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से। तो नॉर्मलिटी को मैंने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन बना है और उसकी नॉर्मलिटी क्या है ये भी हमें पता पड़ गई, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना है यानी उसकी जब नॉर्मलिटी हम सॉल्व करेंगे तो नॉर्मलिटी किस में निकल के आएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में आती है। और उस नॉर्मलिटी का हम फॉर्मूला बनाते हैं, तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यानी नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, यानी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ई, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, डब्ल्यू अपॉन ई है। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो आप देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह हम ये वाली वैल्यू उठा कर रख लेंगे ऊपर और देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला इसका। तो
नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट और अपॉन में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ये वाला आ गया। तो हल होने पे क्या है मास ऑफ सॉल्यूट यानी ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और इसके अपॉन में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने इसको ऐसे रख दिया था। अब इसको हल करते हैं और आगे देखते हैं वैल्यू। तो ये बन जाएगा नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कहा जाएगा इसके मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि मैन अपॉन इसके ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब ये बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इक्विवेलेंट वेट को कैपिटल ई से और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी से, तो ये आ जाएगा लीटर में और ये किसके इक्वल आ गया नॉर्मलिटी। यानी सॉल्व होने पर फॉर्मूला बना हमारा स्मॉल कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल ई इनटू वी इन लीटर। तो नॉर्मलिटी सॉल्व करने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में पता होना चाहिए। यदि इफ यदि मान लीजिए वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन एमएल में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज क्या है इन एमएल, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करना है हमें यानी V जब ml में आ जाए तो क्या करेंगे स्मॉल कैपिटल N बराबर स्मॉल W अपॉन में E इनटू V, V किस में आ रहा अगर ml में, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे और जब 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1000 W के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये बनेगा W इनटू 1000 अपॉन में E इनटू V लीटर एमएल में, यानी डी को एमएल जो वॉल्यूम हमारे एमएल में है उसको लीटर में बदलने के लिए हमने क्या करा 1000 से इसमें डिवाइड कर दिया और 1000 डब्ल्यू के मल्टीप्लाई में चला गया। यानी फॉर्मूला बन गया हमारा एन बराबर डब्ल्यू इनटू 1000 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू वी एमएल। तो नॉर्मलिटी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला ये आ रहा है जब V किसमें हो when volume जब V is in ml, जब volume किसमें हो ml में हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इसी फॉर्मूले से हम वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए वॉल्यूम दे दिया, नॉर्मलिटी दे दी और हमसे पूछा जाए कि अब इसका जो सॉल्यूट आपने डिजोल्व किया है उसका वेट ज्ञात कीजिए, तो वेट कैसे करेंगे, तो ये स्मॉल डब्ल्यू के इधर लिए ये, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये बनेगा एन ई वी और अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 ये एमएल में। यानी एमएल वॉल्यूम जो एमएल में उसको लीटर में बदलने के लिए क्या करा हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां से ये डब्ल्यू क्या है वेट, वेट ऑफ, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो ये क्या वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है।
यानी नॉर्मलिटी का हम कई तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला तो ये आ गया। आप नॉर्मलिटी में नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं नॉर्मलिटी में। तो यानी सॉल्यूशन है कोई, अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1 है, या किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 2 है, किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/2 आ जाए, किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/10 आ जाए, या 1/100 हो, या किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/1000 हो। तो मान लीजिए सॉल्यूशन हमने बनाए और डिफरेंट टाइप से हमने इन्हें अलग अलग सॉल्यूशन बनाए, तो सभी की नॉर्मलिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि सॉल्यूशन हम डिफरेंट बना रहे हैं। अब सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या है उसके बेसिस पर, यानी मान लीजिए किस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अगर 1 है उसे कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 2 है उसे कहते हैं बाय नॉर्मल सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/10 डीसी नॉर्मल सॉल्यूशन, ये सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन, और 1/1000 है मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्यूशन। ये है नॉर्मल सॉल्यूशन। ये क्या होगा? ये होगा बाय नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिसकी नॉर्मलिटी 1/10 होगा सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। और 1/10 को क्या कहेंगे? डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये होगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। और ये होगा मिली नॉर्मल। ये नॉर्मलिटी के आधार पर सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स बन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यदि सॉल्यूशन, आई थिंक सबको पता पड़ गया होगा सॉल्यूशन क्या है। वन लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजोल्व है वही उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कहलाएगी। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया, यूनिट क्या है उसकी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब नॉर्मलिटी, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन। अब हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मॉलिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मॉलिटी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो पहले नॉर्मलिटी लेते हैं। नॉर्मलिटी बराबर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट अपॉन में क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ये नॉर्मलिटी के इक्वल है। अब दूसरी बात करते हैं मोलरिटी किसकी इक्वल है फिर? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने क्या करा है, इसको इक्वेशन मान लिया सेकंड। दो इक्वेशन बना ले, एक नॉर्मलिटी बना ली और दूसरी मोलरिटी की बना ली। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से हमने डिवाइड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बचे अपॉन में क्या बचे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये बचे।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये वाला है, यानी हल होने पे आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आगे चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये किसकी इक्वल है, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, किसके इक्वल है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। अपॉन में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, W अपॉन E। तो हम इसको लिख सकते हैं या स्मॉल W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट को E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप देखिए इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या बचा है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इसके इसके इस जगह पर तो ये रख लिया मैंने पूरा, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट भी है, तो ये बनेगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये चीज सॉल्व होती है। देखिए इसकी जगह पे मैंने क्या करा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ये रख लिया, अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने ऐसे ही रख लिया। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये बराबर है मास, नेक्स्ट लिख देते हैं इसको यहां पर, बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट यानी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये बराबर है। यानी अभी इनके जो फॉर्मूले दे रखे हैं उनको हम खोल खोल के लिख रहे हैं क्या क्या है। तो मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको इसकी जगह रख लेंगे तो ये बनेगा नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू, फर्स्ट है मास ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इसमें इन ग्राम, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसमें इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, ये किसके इक्वल है, इसके, इसको भी रख लीजिए इसके अपॉन में। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये भी किसमें, ग्राम में, और फिर अपॉन में क्या बचा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये वाला हल, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, बस वही कैलकुलेट करें जो उसके अंदर फॉर्मूले दिए हैं। अब देखो यहाँ से फिर एक बार रिपीट करते हैं, यानी नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी किसके बराबर है, नॉर्मल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये सॉल्यूट, ये बराबर है किसके, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मैंने इसको यहाँ रख लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो जिसके बराबर मैंने उसको वहां पे रख लिया। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट से मास ऑफ सॉल्यूट कैंसिल हो गया, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल, तो ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और अपॉन में क्या बचेगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी इक्विवेलेंट वेट मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी हल होने पे ये आया
यहाँ पे इधर जगह बनाते हैं लिखने के लिए, तो ये आ गया नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट के ही निकलेगा, वो सॉल्यूट का ही हो गया। अब क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और वी नो दैट, वी नो दैट, अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वो तो है ही अपने आप में, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट भी बराबर होता है। अब ये किसके बराबर होता है, तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट ये बराबर है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में, अपॉन में क्या जाएगा, एसिडिटी या बेसिसिटी को मैंने दर्शाती है स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करती है, किससे, स्मॉल एन से। यानी इक्विवेलेंट वेट, अगर हमें किसी भी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट सॉल्व करना है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को उसकी एसिडिटी से या उसकी बेसिसिटी से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। अगर एसिड है तो उसके बेसिसिटी से डिवाइड कर दिए मॉलिक्यूलर वेट में, और बेस है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में एसिडिटी से, एसिडिटी से डिवाइड कर दिए, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यानी एसिडिटी क्या है, एसिडिटी है नंबर ऑफ ओएच नेगेटिव आयंस इन बेस, और बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन एसिड। यही है एसिडिटी, एच पॉजिटिव आयनों की संख्या, बेसिसिटी एंड नहीं, बेसिसिटी एच पॉजिटिव आयनों की संख्या, एसिडिटी क्या है, एसिडिटी ओएच नेगेटिव आयनों की संख्या। तब इसके बाद वैल्यू रखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन है, तो ये आ जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन में, अपॉन में क्या आ जाएगा फिर, ये तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर है, ये भी मॉलिक्यूलर वेट के, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड लिखना चाहोगे लिख दो, ऑफ सॉलिड, और ये भी क्या ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या बचेगा स्मॉल एन, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ऊपर वन, तो ये आ जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी बराबर एन, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा एन, या कैसे लिख सकते हैं इसको, या नॉर्मलिटी बराबर एन इंटू मोलरिटी, नॉर्मलिटी बराबर क्या आ जाएगा एन इंटू मोलरिटी। तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में यानी मैन रिलेशन सॉल्व होके ये है, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बराबर क्या है स्मॉल एन इंटू मोलरिटी। अब यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन हमने ये है नंबर ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ एसिडिटी या बेसिसिटी, नंबर ऑफ एसिडिटी या बेसिसिटी, यानी एच पॉजिटिव आयनों की संख्या हो या ओएच नेगेटिव आयनों की संख्या हो। तो अगर कहीं भी आपको मोलरिटी दे रखी हो नॉर्मलिटी सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो क्या करेंगे हम, मोलरिटी में उसमें जितने एच पॉजिटिव आयन उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये जितने ओएच नेगेटिव आयन उससे मल्टीप्लाई कर दो, एसिड है तो एच पॉजिटिव आयनों से, बेस है तो ओएच नेगेटिव आयनों से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नॉर्मलिटी बराबर एन टू मोलरिटी। या ये भी हो सकता है, अगर मान लीजिए बेसिसिटी आपसे पूछने लगे, तो जब बेसिसिटी पूछे तो इधर ले आइए इसको, स्मॉल एन बराबर क्या आ जाएगा, यानी नॉर्मलिटी, ये आ जाएगा नॉर्मलिटी अपॉन में मोलरिटी, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यानी नॉर्मल स्मॉल एन क्या है, नॉर्मलिटी अपॉन में चला गया मोलरिटी, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी से हम उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी भी सॉल्व कर सकते हैं, और एसिडिटी और बेसिसिटी से हम ये भी बता सकते हैं कौन सा डाइबेसिक एसिड है या कौन सा वो एसिडिक बेस है, इसे हम ये भी पता लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन निकल गया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्मलिटी में आगे की तरफ बढ़ते हैं,
और अब देखते हैं नॉर्मलिटी में मिक्स नॉर्मलिटी। तो देखिए मिक्स नॉर्मलिटी है क्या, मिक्स नॉर्मलिटी मिक्स नॉर्मलिटी में क्या होता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन लिए हमने, कैसे कैसे बनाते हैं देखो इसको। मान लीजिए मैंने एक एसिड का सॉल्यूशन ये लिया, ये ले लिया एसिड 1 और इसकी नॉर्मलिटी N1 मान ली और इसका वॉल्यूम है V1। अब मैंने इसमें एसिड में ही एसिड ऐड कर दिया, इसमें भी एसिड ऐड कर दिया, फिर ये क्या ले लिया एसिड 2। तो इसकी नॉर्मलिटी N2 मान ली हमने और वॉल्यूम क्या V2। अब इन दोनों को हमने क्या करा, एसिड 1 में एसिड 2 को ऐड कर दिया तो मिक्स सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मिक्स सॉल्यूशन क्या बना, मिक्स सॉल्यूशन यहां ऐड हो गया। अब मिक्स सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी यानी ये क्या बना, फाइनल सॉल्यूशन या मिक्स सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन 3 भी मान सकते हैं इसको। तो अब ये क्या है फाइनल सॉल्यूशन, अब मान लीजिए इसकी नॉर्मलिटी जो है वो है nx और इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा vx। सीधी जो बात है, जो पहला सॉल्यूशन हमने लिया है एसिड का सॉल्यूशन, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने हैं N1V1। दूसरा एसिड का सॉल्यूशन लिया है उसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितने हैं N2V2। अब मैंने दोनों एसिड को ऐड कर दिया तो दोनों की क्या है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दोनों जुड़ जाएंगे और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में जुड़ जाएगा यानी जितना है V1 है और प्लस V2 दोनों जोड़ देंगे। तो Vx ये तो NX तो क्या हो जाएगा मिक्स नॉर्मलिटी और ये क्या है NX तो होगी यहाँ पर मिक्स नॉर्मलिटी और Vx क्या है पर टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये यानी एक एसिडिक के सॉल्यूशन को मैंने दूसरे एसिडिक सॉल्यूशन में लाया और जब जो मिक्स सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मलिटी को मैंने NX मान लिया और उसका टोटल वॉल्यूम मैंने Vx मान लिया। अब हमसे पूछ लीजिए जो मिक्स सॉल्यूशन बना है इसकी मिक्स नॉर्मलिटी सॉल्व करिए या उसका टोटल वॉल्यूम सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इसकी नॉर्मलिटी मिक्स नॉर्मलिटी कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिक्स नॉर्मलिटी हो जाएगी NX। अब जब हमने ये चीजें इसमें ऐड कर दी तो इसमें जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा N1V1 प्लस N2V2 और अपॉन में क्या आ जाएगा Vx, ये आ जाएगा Vx यानी मिक्स नॉर्मलिटी को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, मिक्स नॉर्मलिटी फोर किसकी आएगी, पॉजिटिव आएगी नॉर्मलिटी आएगी यानी किसके लिए NX किसके लिए ऑफ H पॉजिटिव आयन की नॉर्मलिटी है यानी दोनों एसिड एसिड है तो सीधी बात है मिक्स नॉर्मलिटी किसकी आएगी एसिडिक। अब जो सॉल्यूशन हमारा रहेगा वो फाइनल सॉल्यूशन जिसमें एसिडिक मीडियम में होगा जिसमें H पॉजिटिव आयन से, ऐसे हो सकता है मान लीजिए मैंने एसिड लिया या बेस ले लिया, बेस में भी यही होगा। अब मैंने ये एसिड ले लिया और ये बेस ले लूं तो ये बेस है, अब क्या होंगे क्योंकि मैं एसिड में बेस मिला रहा हूं तो बेस क्या करेगा OH नेगेटिव छोड़ेगा, एसिड क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन छोड़ेगा, दोनों क्या करेंगे H2 बना लेंगे यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। तो एसिड बेस एक दूसरे को क्या करेंगे न्यूट्रल करेंगे और जब न्यूट्रल करेंगे तो दोनों की क्या है एक ग्राम इक्विवेलेंट को हम जोड़ नहीं सकते माइनस हो जाएगा। तो माइनस कैसे होगा देखो जब एसिड और बेस है, अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें जो मिक्स सॉल्यूशन है ऐसे हो सकता है जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं मिक्स सॉल्यूशन बना रहे हैं अगर उसमें एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक फॉर्म में बनेगा और उसकी पीएच 7 से कम होगी। मान लीजिए मैंने बेस ज्यादा ऐड कर दिया उसमें तो एसिड कम हो जाएगा, तो यहाँ मिक्स सॉल्यूशन कौन सा फॉर्म बनेगा बेसिक नेचर में बनेगा, उसकी पीएच क्या हो जाएगी 7 से ज्यादा हो जाएगी। पर अगर मैंने दोनों सेम कर दिए एसिडिक भी उतनी क्वांटिटी में बेस भी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा मिक्स न्यूट्रल, तो मिक्स न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखो इसको मिक्स में कैसे करते हैं, अगर ये सेम ले लिया हमने तो सेम क्वांटिटी में क्या बनेगा देखो, ये तो हुआ इसके लिए
अब यानी ये N1V1, देखो कंडीशन क्या बनती है इसमें, कंडीशन दो बनती है। कंडीशन वन में मान लो N1V1 इज ग्रेटर देन है N2V2, ये तो है एसिड के लिए और ये है बेस के लिए। तो अब जो मिक्स नॉर्मलिटी निकल के आएगी, मिक्स नॉर्मलिटी वो किसकी आएगी, मिक्स नॉर्मलिटी ऑफ एच पॉजिटिव आएगी। और ऐसा हो सकता है नॉर्मलिटी बेस की ज्यादा हो, N2V2 इज ग्रेटर देन N1V1, तो मिक्स नॉर्मलिटी किसकी आ जाएगी, मिक्स नॉर्मलिटी आ जाएगा OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसमें एसिड ज्यादा मिलाया हमने, बेस मिलाया, एसिड ज्यादा मिलाया तो एच पॉजिटिव आयन की नॉर्मलिटी निकल के आएगी, बेस ज्यादा मिलाया तो उसमें OH नेगेटिव आयन की नॉर्मलिटी निकल के आएगी। और अगर हमने, अब देखिए कैसे आएगी, अगर मैंने एसिड ज्यादा मिला दिया तो बेस की जितनी OH नेगेटिव है एच पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव को जोड़ के एच पॉजिटिव आयन बचेंगे, तो एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में फ्री रहेंगे, एसिडिक फॉर्म ले जाएंगे उसको। और अगर मान लीजिए मैंने बेस ज्यादा मिला दिया तो बेस की जितने, बेस में OH नेगेटिव क्या करेंगे, एसिड के जितने एच पॉजिटिव है उतने को जोड़ लेंगे और बाकी OH नेगेटिव बचेंगे और वो बेसिक फॉर्म में सॉल्यूशन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एसिड मैंने ले लिया मान लीजिए 10 तो एसिड ले लिया, यानी एसिड क्या है उसमें 10 एसिड ग्राम इक्विवेलेंट वेट और बेस है उसमें मान लीजिए 4। अब क्योंकि इसके 4 और इसके 4 यानी इसका 4H पॉजिटिव और इसके 4H नेगेटिव, कितने H2 बना लेंगे 4H2। अब इसमें कितने बचेंगे 6H पॉजिटिव आयन बच जाएंगे, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कौन से मीडियम में चला गया, एसिडिक मीडियम में चला गया। ऐसे ही एग्जांपल में मान लीजिए मैं इसको बेस की क्वांटिटी बढ़ा दूं, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लिया मैंने 6 या A2 A B Z कुछ भी मान सकते हैं, और एसिड ले लिया मैंने 2। अब देखो इसके 2H पॉजिटिव इसके 2H नेगेटिव से मिलकर क्या बनेंगे 2H2। अब इसमें लेकिन अभी 4OH नेगेटिव बच गए, तो सॉल्यूशन कौन से मीडियम में चला जाएगा, बेसिक मीडियम में चला जाएगा जिसकी पीएच सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं हम एसिड बेस को अगर समान क्वांटिटी में मिला दें, तो अगर बेस के लिए आ रहा है बेस के लिए मिक्स नॉर्मलिटी क्या बन जाएगी, मिक्स नॉर्मलिटी ऑफ N1V1 माइनस N2V2 और अपन में टोटल वॉल्यूम आ जाएगा VH। ये मान लो एसिड है और ये क्या है बेस, ठीक है, या ऐसा आ सकता है मिक्स नॉर्मलिटी बराबर N2V2 माइनस N1V1 अपॉन में क्या आ जाएगा VH। तो यहां तो किसके लिए आ रहा है H पॉजिटिव आयन की नॉर्मलिटी निकलेगी और इससे किसकी नॉर्मलिटी निकलेगी OH नेगेटिव की नॉर्मलिटी निकलेगी, लेकिन जब दोनों सेम क्वांटिटी में हो तब क्या करते हैं उसके लिए देखिए। अब हम जब एसिड और बेस दोनों सेम हो, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस आर सेम हो, तब क्या डाइल्यूट इक्वेशन बनेगी, यानी नॉर्मलिटी इक्वेशन बनेगी। नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो नॉर्मलिटी इक्वेशन होती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये इसकी नॉर्मलिटी इक्वेशन बनेगी। अगर हम इसमें जो सॉल्यूशन है दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों की अगर दोनों को सॉल्वेंट मिला दें तो इसको डाइल्यूट इक्वेशन लिखेंगे, डाइल्यूट इक्वेशन। ये नॉर्मलिटी की बात है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मलिटी पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, और मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ और नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।